हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, जिसे मैं ना ही खोआ ना ही शुगर और कम से कम दूध में इस गाजर को बना के बिल्कुल तैयार करूंगी अपने अंदाज में। गाजर खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाजर के कई फ़ायदे होते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का मात्रा और आयरन, प्रोटीन, विटामिन से भरा हुआ ये गाजर आँख की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक रहता है। और गाजर रोज़ खाने के कई फ़ायदे हैं, तो अपना डाइट में डेली रोज़ाना कुछ ना कुछ नए तरीके से गाजर को ज़रूर शामिल करें। आज मैं आप लोग के साथ में इस ताज़े ताज़े लाल लाल गाजर से गाजर की हलवा एक अपना ही अनोखा अंदाज में तैयार करने जा रही हूँ, बिना शुगर और बिना इसमें मैं खोआ मिलाते हुए। और यहाँ पे मैंने सारे गाजर का जो पील है आउट करके रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर कुकर को लेंगे, क्योंकि हम गाजर का हलवा आज प्रेशर कुकर में तैयार करने वाले हैं। वो भी बिना काटे हुए, बिना घिसे हुए, बिना पीसे हुए सारे गाजर को इस तरह से हम साबुती गाजर को मिला देंगे। तो हमने जैसे आपको बताया कि इसको हम शुगर बिल्कुल नहीं मिलाने वाले हैं, तो ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शुगर का जगह में मिश्री का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मेरा 200 ग्राम मिश्री था, इसको मैंने मिला दिया है। ज़रूरत का हिसाब से थोड़ा सा 50 ग्राम बराबर लगभग इसमें हम पानी मिलाएंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा और कोई भी चीज़ अभी मिलाएंगे नहीं। यहाँ पे हमने 4 सीटी आने तक इसको सीटी भी लगा लिया है, तो इसको साइड में निकाल के रख देंगे। गाजर हमारा कुक हो गया, रेडी हो चुका है और आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भगोना बिठाते हुए यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध को मिला दिया है। अब इसको 1-2 उबाल आने तक इसको बॉयल होने देंगे दूध को, और इसके अंदर में हम मिला देंगे ज़रूरत का हिसाब से विनेगर। आपका पास अगर विनेगर ना हो तो इसके अंदर आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने 2 ढक्कन विनेगर मिलाते हुए थोड़ा देर कुक होने दिया, और जैसे ही 1-2 बार उबाल आया, जैसे दूध को फटने लगा, तो हमने गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो इसको निकालते हुए एक स्ट्रेनर में छान देंगे और इसके ऊपर में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाते हुए अच्छे से इसको वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर में जो भी खटा है ना हमने विनेगर मिलाया था वो सब आउट हो जाए और ये फटाफट ठंडा भी हो जाए। इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसका पानी जो है हम छानते हुए निकाल देंगे। और छेना को हम एक बर्तन में ट्रांसलेस कर देंगे, और चाहे तो ये छेना वाला पानी से आप आटा गूंथने में भी यूज़ में ला सकते हो। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मैश कर देंगे, या तो हाथों से करें या तो फिर स्पैचुला से करें। छेना हमारा बिल्कुल भी रेडी हो चुका है, और इधर हमारा गाजर भी अच्छे से स्टीम होके कुक हो चुका है। अब इसे भी एक चम्मच का हाथ से इस तरह से मैश करते हुए इसको रेडी करेंगे। चाहे आप मैशर का हेल्प से मैश करें या तो फिर इस तरह से चम्मच का हेल्प से मैश करें, दोनों ही तरीका से आपका गाजर जो है मैश इजीली हो जाएगा। इस तरह से बहुत स्मूथली ये मैश हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने 4 सीटी आने तक कुक होने दिया था। तो इस तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे ऐसे ही ना घिस के ना ही पीस के इसे आपने तैयार किया है। बिल्कुल भी हमारा गाजर मैश हो के हलवा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैश करके रखा हुआ गाजर के अंदर में मिला देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे स्टार्टिंग में हम लाएंगे घी। घी मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। आप घी का क्वांटिटी भी कम ज़्यादा करके ले सकते हो। और यहाँ पे हम मिला देंगे जो हमने छेना तैयार किया था, हम इसमें खोआ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम छेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना खोआ का भी इस तरह से गाजर का हलवा बन सकता है, तो इसी मेथड से मैंने ये गाजर का हलवा तैयार किया है। इस छेना को भी हम हाथों से क्रश करते हुए मिला देंगे, मनपसंद का सारा चौपट। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी मैं मिला दूँगी, और यहाँ पे इलायची को मैं तोड़ के 4 पीस इलायची मिला दूँगी। अगर आपके पास पाउडर हो तो मिला लेना। और दूध का क्वान्टिटी यहाँ पर मैंने 100 ग्राम से भी कम यूज़ किया है, क्योंकि इस गाजर के हलवे को तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कम से कम दूध में भी हम इस गाजर के हलवे को आसानी से इजीली उसी टेस्ट में जैसे बाज़ार में मिलते हैं गाजर के हलवे,
उससे भी दुगना टेस्ट में हम इसे बना के तैयार इजीली घर पे बना सकते हैं। तो सारा इंग्रेडिएंट्स मिला देने के बाद कंटिन्यू हम कुक करते रहेंगे चलाते हुए, और अभी हम गैस का फ्लेम को बिल्कुल हाई रखते हुए इसे चलाते हुए लगातार हमें इसे भुनना है, जब तक इसके अंदर में जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म ना हो जाए, यानी कि कम ना हो जाए। 4 से 5 मिनट इस तरह से चलाते हुए भुनने के बाद में हम बीच बीच में इसको ढकते हुए भी कुक करेंगे। अगर ढकते हुए इसे कुक करेंगे ना तो इसका अंदर का मॉइस्चर है वो फटाफट कम हो जाएगा। अगर हमें 20 मिनट लगनी है तो ये 15 या 10 मिनट में बनके तैयार होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको एक बार कवर कर देंगे प्रेशर कुकर का, सीटी नहीं आने जैसा हल्का सा इसको ऊपर से रखते हुए सिर्फ ओनली इसे हम ढक देंगे, और 6 से 7 मिनट बाद दोबारा से ढक्कन को निकालते हुए दोबारा से चलाएंगे। इसी प्रोसेस में हमें 2-3 बार ऐसा करने से फटाफट मॉइस्चर इसके अंदर का कम हो जाएगा और हमारा गाजर का हलवा जो है बहुत जूसी बनेगा। जो इसके अंदर में हमने छेना मिलाया था ना, ये भी इसी तरह से बिल्कुल खोआ का फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में हमने मिश्री पहले ही मिला दिया था हलवे के अंदर में। तो ये छेना जो है अपना मीठा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें एक्स्ट्रा मीठा यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं। अगर गाजर के हलवे आपको कम या ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो हिसाब से शुगर का या तो फिर मिश्री का क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा करके पहले से ही ऐड करके इसी में मिला ले। देखते ही देखते हमारा गाजर का हलवा तैयार होने को है। इसके अंदर में जो भी मॉइस्चर है ये कम होने लगा है, और इसके अंदर में जैसे हमने घी मिलाया था ना, घी सेपरेट होने लगेंगे, तो समझ लेना कि हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से अभी खुले में ही भूनते रहेंगे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए और इसके अंदर के जो भी बचे कुचे नमी है ख़त्म ना हो जाए। जब तक ये अच्छे से भुनाई ना हो ना, तो जब तक गाजर के हलवे में वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट गाजर के हलवे में होना चाहिए। तो इस तरह से भूनते ही भूनते हमारा गाजर के हलवे के अंदर में एक प्यारा सा खुशबू उभरने लगेगी, तो समझ लेना कि हमारा गाजर का हलवा जो है परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने लगभग इसको 12 से 15 मिनट लगभग इससे हमने भुना है ढकते हुए, बीच बीच में 1-2 बार ढकते हुए भी भुना है, और खुले में भी इसको हमने अच्छे से भुनाई किया है। अभी यहाँ पे खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की, और जो हमने घी मिलाया था घी भी सेपरेट होने लगा है, और इसके जो अंदर में नमी थी वो भी एकदम कम होने लगा है। अभी एकदम ये ड्राई हो चुका है हमारा गाजर का हलवा। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंड का मौसम में गाजर बहुत ही फ्रेश आता है, तो इस तरह से आप भी हलवे का आनंद उठाएं। ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था। गर्मा गर्म इसे अब सर्व करेंगे एक प्लेट में। सबसे पहले सर्व करने से पहले हम इसे एक डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, पर इसको मैं एक प्यारा सा डेकोरेट कर दूँगी, और देखने में लुक भी इसका बहुत अच्छा आए और ये फटाफट गर्म भी हो जाए। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व करके एंजॉय कर सकते हो, आप चाहे तो इसे वेट करके ठंडा करके भी इसे एंजॉय कर सकते हो। ये गर्म में भी उतना ही टेस्ट आता है जितना कि ये ठंडा में आता है। तो ठंड में सर्दियों का मौसम में इस तरह से गर्म गर्म गाजर का हलवा का आनंद लीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जो सीजन का गाजर का हलवा का जो स्वाद होता है वो और टाइम का हलवा में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने स्पैचुला से दबाते हुए इसे फ्लैट करके फैला दिया था, और ऊपर से इसका ऊपर में मैंने गार्निशिंग कर दिया था कुछ ड्राई फ्रूट से, और कुछ यहाँ पे मैंने छेना बचा के रखा था उससे भी, ताकि इसका लुक देखने में और भी अच्छा लगे। तो लीजिए, हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल भी रेडी है, और होप कि आपने भी इस हलवे को एंजॉय किया हो। अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपीज़ मेरी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों फैमिली में शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहले बार आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इतना देर मुझे साथ देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।